हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो बहुत लाने में बहुत लेट हो गया मेरा, मुझे पता है, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बाला और उजड़ा चमन के बारे में। ये दोनों फिल्में एक ही टॉपिक पर बेस्ड करके ये दोनों फिल्में बनाया गया है। अब ये दोनों फिल्में एक ही डेट पर रिलीज होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले रिलीज होने वाला था उजड़ा चमन, जो कि 8 नवंबर को रिलीज होने वाला था। अब वो 8 नवंबर को ही रिलीज होने वाला है। लेकिन बाला 15 नवंबर को रिलीज होने वाला था, लेकिन वो भी अभी 8 नवंबर को रिलीज होने वाला है। क्यों? क्योंकि बाला का जो प्रोड्यूसर्स है दिनेश विजन, वो मर्जावा का जो प्रोड्यूसर है टी सीरीज का भूषण कुमार, उनको बताया कि देखिए, मेरा फिल्म का सेम टॉपिक पर एक बेस्ट करके एक फिल्म आ रहा है उजड़ा चमन, अब वो अगर पहले निकल गया तो मेरा फिल्म का बिजनेस खराब हो सकता है। तो आप एक काम कीजिए, आपका जो मर्जावा है वो आप 15 तारीख को कर दीजिए, मैं 8 तारीख को आ जाता हूँ। तो भूषण कुमार जी ने कहा कि ठीक है, चलो मैं अपना फिल्म पोस्टपोन कर देता हूँ और तुम अपना फिल्म 8 तारीख को लेके आओ। तो अभी क्या होने वाला है, अभी उजड़ा चमन और बाला एक साथ रिलीज होने वाला है। तो बाला का जो डायरेक्टर है वो है अमर कौशिक। सो गाइस, इट्स स्टारिंग आयुष्मान खुराना, जो कि हम सबको पता है एक बहुत अच्छे एक्टर है। उनका पिछला फिल्म जो था ड्रीम गर्ल, एक बहुत ही अच्छा बॉक्स ऑफिस सक्सेस रहा है। और उनका जो अंधाधुन जो था उनका फिल्म, वो उसको भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है। और इसके साथ है भूमि पेडनेकर एंड यमी गौतम, एंड द म्यूजिक इज बाय सचिन जिगर। और ये एक सैट्रिकल ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। सो ये 8 नवंबर को रिलीज होने वाला है। उसके साथ रिलीज होने वाला है उजड़ा चमन। उजड़ा चमन भी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसका जेनरी थोड़ा अलग है, ये ब्लैक कॉमेडी है, ये कॉमेडी है, लेकिन दोनों का टॉपिक एक ही है। अब इसमें काम, इसका जो डायरेक्टर है वो है अभिषेक पाठक, और इसका जो प्रोड्यूसर्स है वो है कुमार मंगत पाठक विथ अभिषेक पाठक, एंड द म्यूजिक इज बाय गौरव रोशन, एंड इट्स स्टारिंग सनी सिंह, जिसको हम लोगों ने उनको देखा था सोनू की टिट्टू की स्वीटी में विथ कार्तिक आर्यन, उनका दोस्त का कैरेक्टर जो प्ले करते, तो वो भी एक बहुत अच्छे एक्टर है। और उनको अवार्ड भी मिला था सोनू की टिट्टू की स्वीटी के लिए, तो नो डाउट ही इज ऑल्सो गुड एक्टर। अब उनके साथ जो है वो है मानवी गुगलू, सौरभ शुक्ला एंड करिश्मा शर्मा, और बहुत सारे अदर को एक्टर्स हैं। तो दोस्तों, अभी बाला और उजड़ा चमन दोनों ही एक ही दिन में आ रहा है। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई, दोनों फिल्म तो एक ही टॉपिक पर बेस्ड है, तो अब आयुष्मान खुराना इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है कि एक ही दिन में वो जो एक ही टॉपिक है उसके साथ ही रिलीज कर रहा है। लेकिन मुझे पता है कि आयुष्मान खुराना कुछ सोच समझ के ये फिल्म का रिलीज डेट जो है चूज किया है विद दिनेश विजन, क्योंकि उनका जो पिछला 3-4 फिल्में था सभी बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ा बिजनेस किया है। नो डाउट सनी सिंह भी बहुत अच्छे एक्टर है, तो उनका उजड़ा चमन भी अच्छा हो सकता है। अब ऑडियंस कौन सा फिल्म को देखेगा? मुझे लगता है कि ऑडियंस ज्यादा आयुष्मान खुराना को प्रेफर करेगा रेदर देन सनी सिंह, क्योंकि सनी सिंह भी बहुत अच्छे एक्टर है, आयुष्मान खुराना भी बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन आयुष्मान खुराना को लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। और सनी सिंह को जो, अगर सनी सिंह का फिल्म उजड़ा चमन अगर अच्छा हुआ तो वो भी ऑडियंस देख सकते हैं। अब 8 नवंबर को हमको जाके पता चलेगा कि कौन सा फिल्म अच्छा बिजनेस करेगा। तो उससे पहले तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते, फिर भी लेट्स वेट फॉर 8th of November, क्योंकि दोनों फिल्में जब एक ही टॉपिक पर बन गए हैं तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कौन सा फिल्म असली है कौन सा नकली है, मतलब कॉपी किससे किया गया है। बाला ने उजड़ा चमन से कॉपी किया है, उजड़ा चमन बाला से कॉपी किया है? नहीं, ये बात नहीं। बाला का जब ट्रेलर आया उसी साथ उजड़ा चमन का भी ट्रेलर आया,
तो ये कैसे हो सकता है कि कॉपी कैसे हो सकता है? कॉपी तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब दोनों ट्रेलर एक ही साथ रिलीज हो रहा है तो वी कैन से इट्स कॉपी ऑफ बोथ द फिल्म्स। एंड उजड़ा चमन एक कनाडा कर्नाटका जो फिल्म है, कर्नाटका एक फिल्म से उजड़ा चमन रीमेक किया गया है, लेकिन ये मैच कर रहा है बाला का कॉन्सेप्ट के साथ। अब तो दोस्तों देखना पड़ेगा 8 नवंबर को कि अब दोस्तों मेरा एक चैलेंज है, द बाला चैलेंज, जो कि बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, बहुत चल रहा है, मतलब सब बाला का चैलेंज करने में एकदम बिजी है। बाला मतलब ये वाला नहीं, हाउसफुल 4 का सॉन्ग बाला, तो मैं भी चैलेंज करता हूँ यार। मेरे को भी बहुत गाना तो मुझे बहुत पसंद आया है, मतलब बहुत ही एंटरटेनिंग गाना है, तो या लेट्स लेट्स डू इट, चेक इट आउट। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो और मेरा बाला का चैलेंज कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी। और आपका भी बाला का चैलेंज कीजिए यार, क्या कर रहे हैं, इट्स ट्रेंडिंग नाउ। चलिए बाला, कीप ऑन वॉचिंग।